हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं RR स्विचेस और GMK स्विचेस के बारे में और बताएंगे इनके बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे RR के स्विचेस के बारे में, ठीक है? तो ये रहा हमारा RR का स्विच। ये हमारा 10 एम्पियर का स्विच है ये हमारा, और ये RR वाइट के नाम से आता है, ठीक है? और 10 एम्पियर का स्विच, ये हमारा 10 एम्पियर का स्विच है, बहुत ही शानदार स्विच है ये हमारा। और ये देखिए, ठीक है, और ये बहुत ही शानदार है। और ये है हमारा इसका सॉकेट 10 एम्पियर का, ठीक है? ये भी बहुत सॉलिड सॉकेट है, ये काफ़ी सॉलिड सॉकेट है, काफ़ी अदर कंपनियों के मुकाबले में ये 10 एम्पियर का सॉकेट 20 एम्पियर के मुकाबले में काम करता है। बहुत ही सॉलिड सॉकेट है, आप किसी भी कितना भी लोड हो, किसी भी तरह का लोड हो, आप इस पर लगा सकते हैं, ये बेयर करने में सक्षम है। और ये स्विच है इसका, ये भी बहुत सॉलिड स्विच है, आपका हैवल्स हो गया, हैवल्स से ज़्यादा बेहतर क्वालिटी में है ये, और प्राइस भी इसके नॉर्मल है, ठीक है? और ये है इसकी प्लेट, ये है इसका मॉडल, इस प्लेट इस तरह के आपके, ये जब लगने के बाद इस तरह का लुक आएगा आपका, ठीक है? और इस प्लेट को हम बोलते हैं मेवन, ठीक है? पहले वाइट नाम से ही आती थी, अभी मेवन नाम से आ रही है, ठीक है? तो ये है इसका इंडिकेटर, ये है स्विच, ये है सॉकेट, ठीक है? और काफ़ी बढ़िया दिखने में है, और क्वालिटी वाइज भी बहुत सॉलिड है ये, ठीक है? तो हम इसके अगर स्विच की प्राइस की बात करें तो मार्केट में आज की डेट में 23 रुपये के आसपास मिलेगा, और सॉकेट आपका लगभग 60 रुपये के आसपास मिलेगा, ठीक है? 1-2 रुपये ऊपर नीचे बैरी हो सकते हैं, और ये मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? और इंडिकेटर 70 से 75 रुपये के आसपास मिलेगा, और ये चार मॉडल की प्लेट लगभग समथिंग 60 रुपये के आसपास मिलेगी, और काफ़ी बहुत ही शानदार क्वालिटी है इसकी, बहुत ही शानदार क्वालिटी है। चलिए अगले अपने आइटम के बारे में बात करते हैं, जो है हमारा GM। तो ये रहा हमारा GM का स्विच, 10 एम्पियर का स्विच है हमारा ये, और काफ़ी बढ़िया स्विच है ये, और काफ़ी शानदार स्विच है। सारे पॉइंट इनके ब्रास के हैं, RR के ब्रास के हैं, इसके ब्रास के हैं। और ये रहा हमारा GM का सॉकेट, 10 एम्पियर का हमारा सॉकेट, और ये साइड हमारे सॉकेट की बैक साइड है, और ये सामने से दिख रहा है, और काफ़ी बढ़िया सॉकेट है ये भी। और इसके प्राइस की बात करें, मैं आपको सबसे पहले इसका लुक दिखाता हूँ किस तरह का बन के आता है। ये बहुत ही खूबसूरत इस तरह का लुक आएगा बन के आपके यहाँ प्लेट लगने के बाद। और ये काजबीवा प्लेट है, काजबीवा मॉडल है GM का ये, ठीक है? बहुत ही शानदार मॉडल है। और ये है इसका बैक साइड का व्यू, ठीक है? और इसके प्राइस की बात करें स्विच की, तो ये लगभग 27 से 28 रुपये के बीच में मिल जाएगा। और इसके सॉकेट की बात करें तो 110 से 115 के बीच में मिलेगा आपको, और इंडिकेटर लगभग 90 रुपये के आसपास मिलेगा। तो हम बात करते हैं बेहतर कौन सा है, घर में आपको कौन सा लगवाना चाहिए, और किसका प्राइस ज़्यादा बेहतर है, और कौन सा किस लोड को झेल सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं RR की। तो RR का सॉकेट मात्र 60 रुपये का है, ठीक है? मार्केट की बात कर रहा हूँ, 60 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा, 2-4 रुपये ऊपर बैरी कर सकते हैं, ठीक है? तो सॉकेट बहुत सॉलिड है। आप एक GM का 20 एम्पियर का सॉकेट ले लें, और एक आप RR का 10 एम्पियर का सॉकेट ले लें, दोनों ही बराबर काम करते हैं, बहुत ही सॉलिड है RR का इसका जो भी आइटम है बहुत सॉलिड है, और कम प्राइस में है। तो मेरे हिसाब से अगर सिर्फ सिंपल आपको लगाना है तो RR बहुत बेस्ट है, क्वालिटी वाइज भी बहुत बेस्ट है, और इसकी प्राइस भी बहुत नॉर्मल है, और सामान भी बहुत ही सॉलिड क्वालिटी है। और GM भी बहुत अच्छा है, मगर इसके प्राइस बहुत हाई हैं, 110-115 रुपये का सॉकेट बहुत महंगा हो जाता है। और फिर उस हिसाब से क्वालिटी हमको 160 रुपये में जो क्वालिटी हमको मिल रही है उस हिसाब से बहुत महंगा है। आप इसको कंपेयर हैवल से भी कंपेयर कर सकते हैं RR के सॉकेट को, बहुत ही बढ़िया सॉकेट है RR का। और मेरे हिसाब से तो आप RR ही लगवाएं अगर GM का लगवा रहे हैं, मगर ये डिज़ाइनिंग इसकी थोड़ी लाइनिंग में डिज़ाइनिंग बहुत सिंपल है। और इसमें RR में बहुत सारे मॉडल आते हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं ये सारे इस तरह के मॉडल अवेलेबल हैं मार्केट में RR के, और ठीक है ना, ये इस तरह के मॉडल सारे आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, मगर इनकी कॉस्ट अच्छी है, क्वालिटी वाइज भी बहुत बेस्ट है। तो अगर मैं बात करूँ अगर नंबर देने की प्राइस और इकोनॉमी रेंज में, तो RR को मैं 10 में से 9 नंबर दूंगा, और GM को इस रेंज के हिसाब से मैं 7 नंबर दूंगा 10 में से, ठीक है? और आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।